हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आज की इस वीडियो में हम लोग वन प्लस मोबाइल फोन की लॉन्चिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। वन प्लस ने एक नए मोबाइल फोन को लॉन्च करने के लिए रिवील किया है अपनी चीज़ों को, और उस फोन का नाम है वन प्लस E1, और इसे वन प्लस नॉट 2CE के नाम से इंडिया में जाना जाएगा। और काफ़ी अच्छा फ़ोन, मोबाइल फ़ोन होने वाला है। क्या कुछ इसके अंदर होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेड इसके अंदर स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिलेगी, हम लोग सबके ऊपर बात करेंगे। साथ में क्या प्राइसिंग हो सकती है, क्या कुछ आपको इसके लिए देना होगा, यानी क्या प्राइसिंग है, क्या फीचर्स आपको मिलेंगी, क्या क्या वेरियंट्स है, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन रिवील हुआ है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए हो चैनल के ऊपर, आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी मैं कोई वीडियोज़ डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सोर्सेज के बारे में कि इस फोन की लॉन्चिंग के सोर्सेज कौन से हैं। तो ये 91 मोबाइल्स के थ्रू ये सब हम डाटा आपके सामने रखने जा रहे हैं। जो भी चीज़ें सामने रिमर्स आए हैं, जो भी एक रिवील हुआ है, एक्सपेक्टेड आपके स्पेसिफिकेशंस, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और वन प्लस किसी परिचय का मोहताज नहीं है, ऑलरेडी आप सभी लोग उसे जान रहे हो। उसके जितने भी फ़ोन्स आते हैं काफ़ी क्वालिटी बेस्ड होते हैं और आप सभी उसे बहुत ही प्रेम करते हो। तो इस फ़ोन के अंदर भी सेम आपको फीचर्स मिलने वाला है, और सबसे अच्छी बात ये अंडर बजट फ़ोन होने वाला है, यानी कि अंडर 30,000 आने वाला ये मोबाइल फ़ोन होगा, जो कि वन प्लस की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। और मोस्ट लाइकली ये आपका 5G मोबाइल फ़ोन होने वाला है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या प्रोसेसर्स आपको मिल सकती हैं, क्या डिस्प्ले क्वालिटीज़ हैं, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग अब डिस्कशन करके इस टॉपिक को अंत करते हैं। तो अगर हम बात कर लें इसके प्रोसेसर के बारे में, तो आपको वन प्लस नॉर्ड 2CE के अंदर MediaTek का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, MediaTek Dimensity 900, जो कि एक 5G प्रोसेसर है। और काफ़ी फोन्स में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, जो हम लोग ये स्पेसिफिकेशन शेयर्स किए हैं, काफ़ी कंपनीज ने Dimensity 900 को पसंद किया है और अच्छी इसकी प्रोसेसर की रेंज चल रही है। एक अच्छा आपका प्रोसेसर MediaTek का Dimensity 900 देखने को मिल जाता है। साथ में अगर हम लोग डिस्प्ले की बात करें, तो इसके अंदर आपको 6.4 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि 90 हर्ट्ज़ के ऊपर वर्क करेगी। और साथ में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और जो कैमरे फ्रंट में लगे होंगे उसमें पंच होल है, यानी कि पंच होल के थ्रू आपके कैमरे का जो भी इसमें एडजस्टमेंट किया गया है, यानी कि आपको कैमरा इन डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अगर हम लोग रिफ्रेश रेट की क्वालिटीज़ के हिसाब से देखें, तो मात्र 90 हर्ट्स की डिस्प्ले रिफ्रेश रेट दी गई है, जो कि बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी आगे उम्मीद करते हैं कि इसकी जो क्वालिटीज़ डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलेगी वो अच्छी आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि जितने भी वन प्लस के मोबाइल फ़ोन्स आते हैं काफ़ी प्रीमियम लेवल्स के वो मोबाइल फ़ोन्स बनाते हैं और उनके सारे कंटेंट बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। तो ऐसी ही उम्मीद इस फ़ोन के साथ भी रखी जा रही है कि अच्छा कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा 6.4 इंचेस के डिस्प्ले के साथ। साथ में अगर हम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो एंड्रॉयड 12 के साथ आपको ये मोबाइल फ़ोन देखने को मिलेगा। इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड एंड्रॉयड 12 होगा, जो कि आई डोंट थिंक 13 के लिए अपग्रेडेबल होगा, लेकिन अगर ऐसी न्यूज़ आती है कि वन स्टेप अपग्रेडेबल होगा तो इसके बारे में भी मैं ज़रूर आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल एंड्रॉयड 12 के साथ ये आपको फ़ोन देखने को मिलेगा और एक 5G मोबाइल फ़ोन होने वाला है। कैमरे के बारे में अगर हम बातें करें, तो कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल का वाइड एंगल रियर कैमरा मिलेगा, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल का कैमरा मिल जाएगा, साथ में 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। साथ ही अगर हम लोग सेल्फी की बात करें, तो सेल्फी के लिए आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि 1080p की रिजोल्यूशन पे रिकॉर्डिंग कर सकता है। और फ्रंट आपका बैक कैमरा जो है वो 4K तक की रिकॉर्डिंग को कर सकता है। हालांकि रूमर है, ये एग्जैक्टली कब आएगा डेट वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन रूमर के हिसाब से 64 मेगापिक्सल वाला 4K तक की रिकॉर्डिंग आपकी करेगा। अगली बात अगर हम लोग बैटरी के पर्पस में कर लें, तो इसमें 4500 mAh की बैटरी देखने को आपको मिलेगी, यानी कि 4500 mAh की बैटरी सपोर्टेड बाय 65W फास्ट चार्जिंग, यानी कि आपको 65W का फास्ट चार्जर इसमें देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है। और आपके मोबाइल फ़ोन बहुत ही फास्ट चार्जिंग हो जाएंगे, मतलब 30 मिनट से 40 मिनट के अंदर आप 0% से 100% तक अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर पाओगे विद 65W के फास्ट चार्जर। बात कर लें अगर हम लोग सेंसर्स के बारे में, तो इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर जो आते हैं आपके लॉक स्क्रीन वाले, वो इन डिस्प्ले देखने को मिलेंगे। साइड माउंटेड या बैक पैनल वाला इसमें चक्कर नहीं है, इन डिस्प्ले आपको लॉक कर दिया जा रहा है इसके अंदर। साथ में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया जाएगा, सो दैट इज ऑल परफेक्ट इफ वी टॉक अबाउट दिस मोबाइल फोन। अब बात आती है इसके वेरिएंट के बारे में, क्या प्राइजेस हो सकती है, तो हम लोग थोड़ी सी रिवील कर लेते हैं प्राइसेस को भी। इसके 3 वेरिएंट आपको टोटल देखने को मिलेंगे। पहला 6GB वाला रैम होगा, जिसके अंदर 128GB की इंटरनल स्टोरेज आपको मिलेगी।
दूसरा जो है वो 8 GB वाला वेरिएंट है जिसके अंदर अगेन 128 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। तीसरा वेरिएंट जो होगा वो 12 GB रैम के साथ आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको 256 GB का इंटरनल स्टोरेज साथ में मिल जाएगा आपको। और बात कर लें अगर प्राइसेस के बारे में इन चारों ही वेरिएंट्स की, तो जो आपका 6 GB विथ 128 GB वाला वेरिएंट होगा वो लगभग मान के चलो 22,999 के आसपास उसकी प्राइसेस आने वाली है। 8 GB वाला वेरिएंट जिसमें 128 GB का इंटरनल स्टोरेज आपको मिलेगा उसकी जो प्राइसेस है वो लगभग 24,999 के आसपास। और जो 12 GB रैम वाला वेरिएंट है 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, उसका मानकर चलो कि 27,999 रुपये के आसपास आपको देखने को ये मिल जाएगा। बोले तो जो इसका टॉप मॉडल है वो भी एक्सपेक्टेड है कि अंडर 30,000 रेंज में होने वाला है। आज मैंने एक अनबॉक्सिंग की थी, आज मैंने एक रिव्यू वीडियो बनाया था आपका मोटो एज S30 को लेकर। तो मेरा ऐसा मानना है कि मोटो एज S30 को टक्कर देने के लिए ये मोबाइल फ़ोन एक सॉलिड कंपटीटर बन के आने वाला है वन प्लस के मापे, और वन प्लस को लोग ज़्यादा पसंद करेंगे उनके कंपैरिजन में, क्योंकि अच्छी फीचर्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, आप कुछ एक हाइलाइटेड पॉइंट्स के बारे में बात कर लें तो आपको इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाएगा, साथ में अलर्ट स्लाइडर दिया गया है इसमें जिसका इस्तेमाल करके आप अलर्ट कर सकते हो किसी को भी। 3.5 mm का जैक, ऑडियो जैक देखने को आपको मिल जाएगा। और क्वालिटी की बात कर लें अगर बिल्ड क्वालिटी, तो अगेन प्लास्टिक के बॉडी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। So this is all about the new upcoming mobile phone from OnePlus Nord 2 CE. फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए मोबाइल न्यूज़ के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।